हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण से भी श्रेष्ठ उसका पुत्र मेघनाद था। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसके गले से मेघ गरजने की आवाज आती थी। उसके रोने की आवाज से संपूर्ण गगन कांप उठते थे। देवराज इंद्र ने रावण को युद्ध में छल से हराकर बंदी बना लिया था। अपने पिता का यह अपमान मेघनाद सह नहीं पाया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर दिया। अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्र को बंदी बनाकर घसीटते हुए लंका लेके आया था। तब स्वर्ग की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण स्वयं ब्रह्मदेव इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए थे। तब उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। इंद्रजीत ने अपनी माया से एक बार स्वयं हनुमान जी तक को भ्रमित कर दिया था। इंद्रजीत सबसे मायावी, पराक्रमी और त्रेता युग में दिव्यास्त्र धारण करके तीनों लोगों पर विजय पाने वाला एकलौता योद्धा था। त्रेता युग में सिर्फ भगवान राम और इंद्रजीत, इन दोनों को ही अति महारथी कहा गया है। कहते हैं जब इंद्रजीत युद्ध करता था तब वो बादलों की सवारी करता था। इंद्रजीत का वध करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, इसीलिए विभीषण जी के कहे अनुसार इंद्रजीत का यज्ञ छल से रोका गया। इंद्रजीत पिता के लिए स्वयं नारायण से लड़ गया। सच में इंद्रजीत महान था।